बिहार के समस्तीपुर में भाभी और ननद के प्यार की कहानी ने सबको चौंका दिया है। समस्तीपुर के रहने वाली शकुला देवी ने अपने ही ननद सोनी देवी से प्रेम में पड़कर विवाह रचा लिया। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने भी लगे, सब कुछ करने लगे जो एक पति पत्नी के रिश्ते में होता है। इस बात की जानकारी ननद की जुदाई में बदहवास हुई भाभी ने खुद कही है। इधर शादी में 5 महीने बाद ही बड़ी ननद यानी सोनी को अपने साथ उठाकर ले जाने की खबर भी सामने आती है। उसको ढूंढ रही थी भाभी और आखिरकार भाभी ने अपने ननद को वापस पा ही लिया। वहीं शकुला देवी ने अपने इश्क की अनकही दास्तां सुनाई कि कैसे पति के रहने वाली उसकी बहन से प्रेम हो गया और दोनों ने सारी हदें पार कर ली। दरअसल शकुला देवी के शादी साल 2013 में हुई थी। वह अपने पति के साथ खुश थी, दोनों के बच्चे भी हुए और साथ में 2 बच्चे भी थे। भाभी का कहना है कि ससुराल में रहने के दौरान वो और ननद सोनी देवी एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करती थी, सुख दुख में साथ रहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी तो अनजान रिश्ते पनपने लगे। शकुला देवी को सोनी से प्यार हो गया। उसने अपने इश्क की इजहार ननद से किया तो वो बोली कि हम दोनों तो लड़की हैं, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, फिर हम कैसे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, परिवार और समाज क्या कहेगा। इस पर शकुला ने सोनी को बहुत समझाया तो उसने भाभी के नाम का सिंदूर लगा लिया और मंगलसूत्र पहन लिया। इतना ही नहीं, दोनों पहले तो पति पत्नी की तरह साथ सोने लगे, साथ रहने लगे, सब करने लगे जो दंपति के बीच होता है। इस बीच शकुला का पति अलग कमरे में बच्चे के साथ सोता था। उसे शक हुआ तो रिश्ता का पोल खुल गया। शकुला ने कहा कि वो सोनी से के बिना मर जाएगी तो पति दबाव में मान गया। 5 महीने पहले शकुला ने सोनी के साथ शादी कर ली। अब सोनी को लड़कों वाला जैसा फील चाहिए था तो भाभी ने बाल कटवा लिया, लड़कों वाले कपड़े पहनने लगी। इतना ही नहीं, उसने तो सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने की भी बात कहने लगी, यूट्यूब पर वीडियो देखने लगे। इसका प्रोसेस देख सोनी ने सीने पर हाथ रख लिया और कहा कि आपको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन इस बीच एक नया तमाशा तब खड़ा हुआ जब सोनी की बड़ी बहन उसे अपने घर से उठाकर चुपके से ले जाती है। यानी शकुला और सोनी खुशी खुशी रहने लगे। शकुला के मुताबिक वो सोनी को देखकर पूरा फील करती थी, उसे पति वाला फीलिंग आती थी, दोनों एक दूसरे के दिल में जुड़ गए थे, दोनों में संबंध भी अच्छे थे। शकुला हालांकि उससे पूछती थी कि तुम्हें पतियों वाला जरूरत हो तो तुम शादी कर लो, इस बात पर वो मना कर देती थी। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन सोनी की बड़ी बहन उषा उसका मुंह दबाकर उठाकर ले गई। सोनी शकुला से दूर हुई तो खाना पीना छोड़ दिया, पुलिस से मदद मांग रही थी। सोनी के गिफ्ट के लिए एक लाल साड़ी के साथ वह घूम रही थी जिससे उसके साथ होने का एहसास होता रहे। एक नज़र अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डालें तो उस पर भी हम डालेंगे कि याचिका पर कि किस तरह से पहले से कई मामले समलैंगिक के पड़े हुए हैं। दरअसल समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, ये सब जानते हैं और सभी को पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने को पहले ही कह चुका है, जो अभी तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को 15 फरवरी तक ही जवाब दाखिल करने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। लेकिन CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आदेश दिया था कि चूंकि हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर अर्जियां लंबित है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सभी हमारे पास एक साथ आ जाएं ताकि उनका एक साथ निपटारा भी हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम याचिकाकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने की आज़ादी देते हैं। कोर्ट ने नई याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उससे भी याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। इस पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी, कब करेगी, 15 मार्च तक शायद इनकी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह एक ऐसा मामला है जो समान लिंग और समलैंगिक विवाह से संबंधित है। इसी तरह के मामले दिल्ली हाईकोर्ट, केरल और गुजरात हाईकोर्ट में पहले से लंबित याचिकाओं में
मांग की गई है कि उनके विवाह के अधिकार को मान्यता दी जाए। अधिकारियों को विशेष विवाह अधिनियम के तहत उनकी शादी के पंजीकरण का निर्देश दिया जाए। विभिन्न हाईकोर्ट से सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई है, लेकिन पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अपनी शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाले समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें पहले 14 दिसंबर 2022 को समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की नई याचिका पर कोर्ट ने पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित इसी तरह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने इस मामले में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग कही थी। कहा है कि इस मामले में कई लोग इसमें रुचि रखते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जब सुनवाई होगी तो हम इस पर भी विचार करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पहले से भी कई मामले जो इस वक्त हाईकोर्ट विभिन्न हाईकोर्टों में मामला लंबित है, लेकिन ऐसे में सवाल होता है कि जो नया मोड़ आया है, जो नया मामला आया है, वो बिहार के समस्तीपुर जिला से आया है। समलैंगिक का मामला है, आखिर कैसे होगा ये विवाह, क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त देगी, ये सब देखना होगा। लेकिन इस वक्त पूरा बिहार में इस जोड़े का चर्चा खूब हो रहा है।